हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहते हैं कचड़ी में सब कुछ है। भारत हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा ब्लॉग अशोक सजूरी ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं भगवान के ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है दोस्तों। और चलिए दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल पर कॉमेंट लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, मैं आज कहाँ हूँ देख लीजिए, मरनाला में हूँ। ये देखिए, जिला पदाधिकारी प्रशासन सबका गाड़ी लगा हुआ है, ये समरनाला है, ठीक है। ये देखिए समरनाला, ये गेट है आने का समरनाला से, कचड़ी चौक इसे कहते हैं। और ये बाइक है, इधर सारे स्टाफ का है, कहते हैं कचड़ी में सब कुछ है, कार्यालय सब। और जस्ट मैं समरनाला के प्रांगण में हूँ, यानी डीआरडीए जिसको बोलते हैं डीआरडीए भवन, और डीआरडीए भवन में हूँ दोस्तों। और मैं आया हूँ दोस्तों, आज का जो खास करके आया हूँ सोच के दोस्तों, मेरे वीडियो पर जो हर आदमी कमेंट करते हैं कि सर एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, उसी के बारे में पता करने के लिए आया हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग बड़ा सब्र करके देखिए। और मैं अभी चलता हूँ, क्या कहते हैं, स्थापना, और वहाँ कुछ स्टाफ होगा गुप्त में, उसे बात करते हैं, वही स्टाफ से देखा अगर जानकारी मिलता है कि नहीं मिलता है कि परीक्षा ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ठीक है। नव नियुक्त शिक्षकोत्तर कर्मचारी भागलपुर बिहार के लिए आज का खास वीडियो है दोस्तों। आप लोग बार बार कमेंट करते, कमेंट का जवाब आज मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों, चलते हैं थोड़ा सा ऑफिस, ऑफिस में पता करते हैं आप लोन का। साथियों, वो ऑफिस में गए, वो ऑफिस में बात नहीं हो पाया, नहीं कुछ बताया। अब चलते हैं दूसरा ऑफिस में, पता तो आज लगा ही लेंगे साथियों, ठीक है, पता तो कुछ सच्चाई लगा ही लेंगे, क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक आते जा रहा है। अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ स्थापना की ओर, ये भी डीएम कार्यालय थे, नहीं कर पाए, एक गेट इधर भी है बाहर निकलने के लिए, ठीक है। ये देखिए, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी यहाँ है, चलिए दोस्तों। ऐसे आप लोग जानते हैं कि ऑफिस के अंदर कैमरा लेके जाने नहीं देता है, पहले जहाँ तक कैमरा लेके जाने का है सुविधा मैं जा रहा हूँ, बाकी कैमरा ऑफ करके बातें करूँ, ठीक है। ये है डीएम कार्यालय, जो कि आदेश नहीं है मोबाइल लेके जाने का, कैमरा ले, ठीक है। चलिए साथियों, हम अब ऑफिस से जो निकले हुए हैं, अभी कार्यालय से निकले थे, जो ऑफिस गए थे जिस काम के लिए कि परीक्षा ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन, उसका जानकारी लेके दोस्तों हम निकल रहे हैं अभी घर, ठीक है। चलिए रास्ते में आप लोग से मिलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, अभी थोड़ा सा जल्दबाजी में है, और वो उसके बाद रास्ते में मिलते हैं कुछ दूर जाके, क्योंकि थोड़ा सा
बहुत जरूरी इमरजेंसी हो गया है शरीर में, इसलिए टूर में जाके बात करते हैं आप लोग से, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम अभी जो कचहरी से जो भाग के जल्दबाजी में आए दोस्तों, आप लोग तो नहीं वहाँ कुछ बता पाए इसलिए कि थोड़ा सा बहुत टेंशन हो गया था दोस्तों। यहाँ पानी की सुविधा हो गया, दोनों साइड में पानी था, इसी के मुझे भाग के आना पड़ा। चलिए दोस्तों, आप लोग से जरा सा बात कर लेते हैं इसी जगह रुक कर, उसके बाद फिर निकलना है घर। दोस्तों क्या है कि आप देखवे किए भागलपुर का ऑफिस में DM के आसपास जितना भी था संपर्क करने का साधन वहाँ तो कर लिए, लेकिन जो भी स्टाफ से संपर्क किए वो स्टाफ एक ही बात कहते हैं दोस्तों कि भैया हमारे हाथ के बाहर है। लेकिन कुछ आदमी ये बताए, ठीक है, कि ये जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों ये पटना स्तर पर होगा, यानी जिला में, पटना में होगा, और बिहार के स्तर पर जितना भी जिला 30 जिला के लगभग जो भी आवेदन किए हैं उस सबका होगा। और आप अगले वीडियो मैंने बता दिए हैं कि जो एग्ज़ाम होगा बापू परीक्षा परिसर पटना, ठीक है, कुम्हरार में, तो वहाँ का जो सेंटर सुविधा है दोस्तों, ये चीज़ मैंने गूगल पर भी BBC के न्यूज़ के हिसाब से मैंने दोस्तों देख लिया है और कुछ अनुभव भी मिल गया। तो जो सेंटर वहाँ एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वो सेंटर स्पेशल अभी फ़िलहाल जो बने हैं सालवार और दौरान होने से, उस सेंटर पर दोस्तों अभी ऑफलाइन सुविधा है, ऑनलाइन का सुविधा नहीं है। इसलिए इस सोच के हमको पूरा कंफर्म हो रहा है हमारे दिल में, ठीक है, कि वहाँ ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वहाँ अभी ऑनलाइन का सुविधा नहीं है। तो इससे आप लोग को क्या पता चलता है दोस्तों मेरे वीडियो से, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारा जो आइडिया था, मैंने आप लोग को जो आज का ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है, कि ऑफलाइन होगा परीक्षा ऑनलाइन, ये इस पर आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। कुछ हमारे स्थापना भागलपुर का भी जगह भी देख लीजिएगा, कुछ हम वहाँ से जो गुजरे स्पीड में, थोड़ा सा शरीर में प्रेशर के चलते वो हम बाईपास होते हुए निकले, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और अभी आके यहाँ जमशेद चौर ये बन रहा है, मुंगेर की कीजिए मिर्जा चौकी मुंगेर हाईवे बन रहा है, ठीक है, वो मुंगेर मिर्जा चौकी हाईवे बन रहा है मेरा है। और अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं घर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ हमारे ख्याल से 75% रखिए ऑफ ही लाइन परीक्षा होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि अभी वहाँ सुविधा जारी नहीं किया। हो सकता है अभी 10 दिन समय बचा है, 10-12 दिन, क्या करेगा ये तो सरकार का मर्जी है, लेकिन हमारा जो तजुर्बा है कि बस ऑफ ही लाइन होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये हमको सपोर्ट किया, ये बहुत हमको खुशियाँ मिल रहे हैं, आप लोग बहुत हमको हिम्मत दिए हैं। और चलिए आप लोग से विदा मांगते हैं, शाम हो चला है, निकलते हैं घर, आपसे मांगते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। All right.